क्या आपको भी लगता है कि जब भी हम गूगल में सीधा सर्च करते हैं और सीधी हमारी वेबसाइट जो है वो सामने रख देता है, यानी कि जो रिजल्ट है वो सीधे ला ला के रख देता है? तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि गूगल ऐसे ही काम करता है, इसका एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज का हमारा टॉपिक भी है कि लेट्स क्रैक दी गूगल एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम जो है ये बेसिकली कैसे काम करता है, तो इस वीडियो के अंदर हम यही पूरा डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करें कि गूगल की, तो गूगल का जो एल्गोरिदम है बहुत ही इफेक्टिवली बनाया गया है और उसमें काफी सारे प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया गया है, सो दैट कि जब भी हम कोई गूगल पे सर्च करें तो ऐसे में जो है वो परफेक्ट रिजल्ट ही हमें जो है वो यहां पर डिलीवर करे। अब इसमें काम कैसे करता है, तो सबसे पहले जब भी हम कोई गूगल में सर्च करते हैं तो डायरेक्टली वो हमारी वेबसाइट्स को लाकर सामने नहीं रखता है। तो बेसिकली गूगल सबसे पहले क्या करता है, उसके जो क्रॉलर्स हैं या फिर हम उनको स्पाइडर्स भी कह सकते हैं, क्रॉलर्स जो हैं वो हमारी जो भी वेबसाइट्स बनाते हैं उन वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, उन वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं कि उसमें किस तरीके का डेटा है, और फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको ले जाकर सेकेंड जो है वो अपना लोकल जो सर्वर है गूगल का वहां पर उसको स्टोर कर लेते हैं जितनी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। यानी कि क्रॉलर्स आते हैं वेबसाइट्स पे, वहां से डेटा को लेते हैं और डेटा को जो रिलेवेंट डेटा चाहिए उनको वो लेते हैं और अपने लोकल सर्वर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो अब स्टोर करने के बाद क्या है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की वेबसाइट्स होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज की वेबसाइट होती हैं, तो गूगल के पास में बहुत ज्यादा मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डेटा जो है वो स्टोर है, तो ऐसे में उसको कैटेगराइज्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लोकल सर्वर में जो डेटा स्टोर होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर में करा जाता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग से क्या हो जाता है कि आपका जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं उसमें डेटा को डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन सी कैटेगरी का डेटा किस इंडेक्स के अंदर रखा गया है। तो इसके बाद जब भी यूजर जो है वो सर्च करता है तो उसकी जो भी रिलेवेंट जो कैटेगरी है उसमें जो डेटा है और उस डेटा के ऊपर में काफी आगे फर्दर काम किया जाता है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो उस कैटेगरी के डेटा को जो है वो हमें डिस्प्ले करवाता है लोकल सर्वर से, ना कि डायरेक्टली यूजर की वेबसाइट से। अगर यूजर की वेबसाइट से अगर डायरेक्टली डिस्प्ले कराना तो उसमें चैलेंज क्या है, तो बेसिकली मान लेते हैं कि मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और बहुत अच्छी वेबसाइट है, जो भी यूजर आता है मेरी वेबसाइट पे वो काफी लंबे समय के लिए रुकता है, लेकिन मेरे पास इतना फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूं, तो इसमें क्या हो गया कि मैंने जो सर्वर उसको होस्ट करने के लिए लिया हुआ है वो बहुत ही स्लो है या शेयर्ड होस्टिंग पे मैंने लिया हुआ है। अब ऐसे में अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है बिकॉज मेरा सर्वर उस वक्त जो है जहां पे मैंने होस्ट कर रखा है तो वो प्रॉपरली फास्ट रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में अगर इवन दो हमारी वेबसाइट नंबर वन पे आनी चाहिए तो वो नंबर वन पे नहीं डिस्प्ले कर सकता क्योंकि हमारे सर्वर की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल लो कैटेगरी की है। तो इसी चैलेंज को जो है यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, इन चैलेंजेस को हटाने के लिए गूगल क्या करता है, क्रॉलर्स को भेजता है और फिर अपने लोकल सर्वर में डेटा को स्टोर करके अपने लोकल सर्वर से ही डेटा को डिस्प्ले करवाता है। फाइनली जब डेटा वहां पे डिस्प्ले हो जाता है, यूजर को जो दिख जाता है, फिर यूजर उस पर जब क्लिक करता है तब जाकर वो हमारी वेबसाइट पे जो है यूजर को रीडायरेक्ट करता है। तो ये एक प्रोसेस बनाया गया है एक गूगल एल्गोरिदम का जिसके तहत पूरा ये काम होता है। अब चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। अगर हम बात करें एक किराना स्टोर की, राइट, तो किराना स्टोर के अंदर यू कैन सी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जब भी हम किसी भी किराने स्टोर पे जाते हैं और उससे कुछ भी बोलते हैं लाइक हमें जो है सर्फ चाहिए है, तो वो तुरंत ही एक ही सेक्शन पे जाते हैं और वहां से लाके वो पैकेट हमारे सामने रख देते हैं। सेकेंड जब हम आइटम बोलते हैं कि मुझे शैंपू चाहिए तो वो अपनी ही दुकान के अंदर एक डिफरेंट सेक्शन में जाते हैं और सीधा लाके शैंपू हमारे सामने रख देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने कुछ बोला और फिर वो किराने वाला सोच रहा है कि मैंने कहां पे क्या रखा हुआ, राइट। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, लेट अस अंडरस्टैंड। जब भी जो है यहां पे सबसे पहला काम क्या होता है, अलग अलग, अब शैंपू किसी अलग वेंडर से आ रहा है, सर्फ किसी अलग वेंडर से आ रही है,
दाल किसी अलग वेंडर से आ रहे हैं, चावल किसी अलग वेंडर से आ रहे हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से डायरेक्ट वो लाकर क्या करता है, अपने उस किराना कोई जो शॉप है वहां पे उसको रखता है, और रखने के बाद उसको जो है कैटेगराइज्ड करता है कि ये एक सेक्शन है जहां पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट दालें रखी हुई हैं, ये मेरा एक सेक्शन है जहां पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के राइस रखे हुए हैं, ये एक सेक्शन है जहां पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट आपकी कंपनीज के जो शैम्पू स्टोर करके रखे हैं, ये एक सेक्शन है जहां पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो है सर्फ रखी हुई है। सो बेसिकली ये कैटेगराइज्ड कर देते हैं अपनी किराने की दुकान को, और उसके बाद जब भी यूजर जो है जाकर कोई भी प्रोडक्ट की बात करता है, मांगता है, तो वो उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ही जाता है और जाकर हमें प्रोडक्ट लाके देता है। इसी वजह से फास्ट जो है वो क्लाइंट को प्रोडक्ट मिल भी जाता है। और इसी प्रकार जो हमारा जो गूगल है वो भी सेम काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उस पर अपने क्रॉलर्स को सेंड करता है, और क्रॉलर्स वहां से इंफॉर्मेशन लाकर अपने लोकल सर्वर में स्टोर करते हैं, फिर उसको कैटेगरी वाइज इंडेक्सिंग करते हैं, और इंडेक्सिंग करने के बाद जो है वो हमें डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं, एंड फाइनली जो है इसके बाद इंडेक्सिंग के साथ में रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है, और रैंकिंग जो है वो कैसे करी जाती है इसमें, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको जो है अब एक ओवरऑल जो आइडिया है अबाउट दी गूगल एल्गोरिदम कैसे काम करता है, वो कैसे इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें डिस्प्ले कर पाता है, ये आपको अब आइडिया लग गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जो डोमेन्स है उनकी वीडियोज आपको इसी तरह से बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ में पसंद आएंगी। और ये हमारा जो है पूरा SEO का कोर्स चल रहा है, जिसमें स्लोली ग्रेजुअली हम बेसिक फंडामेंटल जो है वो अभी कवर अप कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम सारी चीजों को प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो मैं मिलता हूं एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।